गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, दोस्तों आप अपने फैमिली का हो या आपका पर्सनल आपका आधार कार्ड हो तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में या आपके फैमिली के आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, यानी कि कौन से नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही ईजी स्टेप में बताया हूँ। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीका से पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में या आपके फैमिली के आधार कार्ड में आपका कौन सा वो मोबाइल नंबर है जो रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों हम आपको मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर लाइव दिखाएंगे, लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए लगातार इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आते रहते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर अब हम आपको यहाँ लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे कि दोस्तों आप अपने आधार कार्ड में कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, या आपके फैमिली का भी किसी का भी अगर आधार कार्ड है तो आप चेक कर सकते हैं आप अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से कि आपके फैमिली में किसके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, तो आप जो भी ब्राउज़र चलाते हैं उसको ओपन कर लेना। यहाँ पर हम गूगल क्रोम यूज करते हैं, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करते कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब आपको सिंपली सर्च बॉक्स में चले जाना, और सर्च बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि UIDAI, तो आपको यही चीज़ लिख करके सर्च कर लेना है। तो चलिए यहाँ UIDAI लिख करके आप जैसे ही सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस सबसे ऊपर वाली जो एप्लीकेशन यानी वेबसाइट है इसको आपको ओपन कर लेना है। और जैसे ही ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस फिर से आपके सामने ओपन हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। तो नेक्स्ट पेज आने के बाद अब आपको सिंपली इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो चलिए इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आधार सर्विस का एक ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको आधार सर्विस में यहाँ पर सबसे ऊपर वेरीफाई एंड आधार का नंबर का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको वेरीफाई एंड आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। नेक्स्ट पेज आने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैप्चा अभी नहीं आया है, नेटवर्क एरर की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं नहीं आया। चलिए हम यहाँ से रिफ्रेश करके पहले यहाँ पर कैप्चा यहाँ पर शो करवा लेते हैं। अब आपको सिंपली यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। जिसका भी आधार नंबर आप चेक करना चाहते हैं कि किसके आधार कार्ड में कौन सा नंबर लिंक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर उसका आधार नंबर इनपुट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपना आधार नंबर डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद ये कैप्चा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर कैप्चा लिखा हुआ है, तो इस बॉक्स में जो भी कैप्चा उस कैप्चा को यहाँ पर आपको इनपुट कर देना है। जैसे ही कैप्चा फिल करते हैं, कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ प्रोसेस एंड वेरीफाई आधार पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग हो चुका है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इनवैलिड कैप्चा बता दिया है, तो चलिए हो सकता है कि कैप्चा हम गलत डाल दिए होंगे, फिर से कैप्चा यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे ही कैप्चा डाल करके आप वहाँ वेरीफाई एंड ईमेल पर क्लिक करते हैं दोस्तों, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम ब्लर किए हुए यानी हाइड किए हुए अपना आधार नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज बैंड आपको बता देगा कि आप कितने ईयर्स के हैं, कितने ईयर्स के बीच में वो दिखा देगा। आपका जेंडर यहाँ पर शो कर जाएगा दोस्तों, अगर आप मेल हैं तो मेल आएगा, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल। उसके बाद आप कौन से स्टेट हैं, यहाँ स्टेट आ जाएगा। और सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पर आपके मोबाइल का लास्ट 3 अंक दिखाई देगा। तो आप इससे अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके मोबाइल नंबर के किस मोबाइल नंबर के लास्ट में ये 3 अंक मैच कर रहा है। तो इस तरीका से आप अपना आधार नंबर में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है पता। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताएं, ताकि मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।